क्या आप भी इंडिया से अमेरिका आ रहे हो? क्या आप भी जानना चाहते हो कि अमेरिका में 2 BHK या 1 BHK अपार्टमेंट का कॉस्ट कितना होता है रेंट पे लेने के लिए, और क्या क्या फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ होती हैं अमेरिका के एक रेंटल अपार्टमेंट में? अगर आप ये सब जानने में इंटरेस्टेड हो तो यू आर एट द राइट प्लेस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वी हैव फाइनली शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। तो आज का ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये उसी के रिगार्डिंग है। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगी यहाँ के अपार्टमेंट्स का, अमेरिका के अपार्टमेंट्स का। और चाहे आप पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में हो, ईस्ट कोस्ट पे हो, सेंट्रल अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो, तो एक अंदाजतन क्या रेंट रहेगा, आपको क्या खर्चा आएगा अपार्टमेंट रेंट करने के लिए, और उसके अंदर क्या क्या ऐसे अप्लायंसेस होंगे जो आपको खरीदने नहीं होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट या फिर आपको दिए ही जाते हैं यहाँ पे सोसाइटीज में। हमारे घर में आपका स्वागत है। तो अब मैं आपको इस घर का होम टूर स्टार्ट करने वाली हूँ। ये है लिविंग एरिया। अमेरिका में मोस्टली जितने भी लिविंग एरियाज होते हैं वहाँ पे ये लोग कारपेट प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो आप कहीं पे भी हो, अमेरिका के किसी भी साइड हो, तो आपको हमेशा कारपेट मिलेगा। फैन जो है रूम में मिलना बहुत रेयर होता है, क्योंकि ये टेक्सास है, यहाँ गर्मी बहुत होती है, इसलिए सीलिंग फैन दिया हुआ है। अदरवाइज आप चेक कर सकते हो कि आपके अपार्टमेंट में आपको फैन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो लिविंग एरिया होता है उससे ही लगता हुआ होता है आपका किचन सेक्शन। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अमेरिका में मोस्टली आपको येलो लाइट्स मिलती हैं घर में, और इंडियंस फैमिलियर नहीं होते हैं इससे ज़्यादा, हम लोगों को वाइट लाइट की आदत होती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अभी आपको जो सामने दिख रहा है ये है किचन का एरिया, किचन सेक्शन। तो किचन सेक्शन में ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जो वो लोग ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव है या फिर इलेक्ट्रिक ओवन है और इलेक्ट्रिक गैस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अलॉन्ग विद द फ्रिज एंड द पेंट्री सेक्शन। तो पेंट्री सेक्शन के अंदर आप अपने अलग से ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह रख सकते हैं फिल करके। तो ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ के किचन में आपको मोस्टली मिलती ही हैं। और एक और फ़ायदे की चीज़ जो यहाँ पे किचन में दी जाती है वो है डिशवॉशर। वो आपको पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलता है, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है, आपको जो डिशेज़ हैं वो खुद से वॉश नहीं करने पड़ते हैं। और ये जितने भी अप्लायंसेस किचन में होते हैं इनका कोई एडिशनल चार्ज नहीं होता है। अब आप जो सामने देख रहे हैं ये एक डाइनिंग एरिया है, जहाँ पर आप अपना डाइनिंग टेबल वगैरह सेटअप कर सकते हैं। और इसी में जब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको एक लॉन्ड्री का अलग से सेक्शन दिया होता है। तो उस लॉन्ड्री सेक्शन में आपको मिलता है एक वॉशिंग मशीन और एक ड्रायर। तो आप वो भी चेक कर सकते हो कि आप जो भी सोसाइटी या अपार्टमेंट सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे जो लॉन्ड्री है वो इन हाउस है या फिर आपको एक कॉमन लॉन्ड्री सेक्शन दिया जाता है सोसाइटी में। मैं आपसे कहूँगी कि आप जो कॉमन वाला है वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो बग्स होते हैं या पेस्ट होते हैं उनके आने का उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि सभी लोग वहाँ पर अपनी लॉन्ड्री वॉश करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हर जगह पर भले ही वो लॉन्ड्री सेक्शन है, किचन है, बाथरूम है, आपको गर्म और ठंडा दोनों ही पानी 24/7 आता है। इसके लिए आपको अलग से कोई हीटर, गीज़र, इस टाइप की कोई चीज़ लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। गर्म और ठंडा दोनों ही पानी आपको हर सीज़न में यहाँ पे मिल जाएगा, वेदर इट इज़ विंटर और समर्स। तो आप अकॉर्डिंगली वो चेक कर सकते हो, और मोस्टली मिलता ही है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। साथ ही साथ बाथरूम्स में यहाँ पे आपको हमेशा टब मिलेगा, तो आप लोग ये भी चेक कर सकते हो। और टब ही मिलता है अब तक हमने जो भी देखा है जहाँ पे भी। बहुत सारे स्टोरेज के सेक्शंस मिलते हैं ताकि आप उनके अंदर अपना जो सामान है, अपना जो भी बाथरूम का सामान है, वो सब स्टोर कर सको। अब मैं आपको दिखाने के लिए ले जा रही हूँ एक रूम, जो ये मास्टर बेडरूम नहीं है, ये एक नॉर्मल रूम है। तो इस रूम के अंदर भी आपको फैन दिख रहा है, आपको क्लोजेट दिख रहा है, तो इसके अंदर आप अपने कपड़े वगैरह सेट कर सकते हो। क्लोजेट यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे बड़े कोट या फिर ये सारी चीज़ें पहनते हैं, तो इस टाइप के ही क्लोजेट्स होते हैं। यहाँ पे हमें हर रूम के अंदर फैन दिया हुआ था, साथ ही साथ एक वर्क एरिया अलग से बनाया हुआ था। तो उन्होंने एक मार्बल का स्लैब टाइप दिया हुआ था जो वर्क टेबल की तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है अपना वर्क स्टेशन या वर्क सेक्शन बना लेंगे जहाँ पे वो काम करेंगे। अब मैं आपको ले जाती हूँ मास्टर बेडरूम की तरफ। ये काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर बेडरूम वी यूज़ टू लिव इन। तो यहाँ पे भी सबसे अच्छी बात ये है कि सनलाइट आ रही है विंडो से, और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब आपकी विंडो होती है, भले ही बेडरूम में हो या लिविंग रूम में हो, वो बहुत अच्छी वाइब देती है। साथ ही साथ जो मास्टर बेडरूम था उसके साथ हमें मिला हुआ है एक वॉकिंग क्लोजेट। वॉकिंग क्लोजेट होता है जिसके अंदर आप जा सकते हो, खड़े हो सकते हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वॉकिंग क्लोजेट
क्लोजेट काफ़ी बड़ा था, जिससे मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़े हैं जो मुझे ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत दिक्कत आती है अगर स्पेस कम हो तो मैं अपने और अपने बेबी दोनों के ही कपड़े यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। साथ ही साथ अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो लिविंग एरिया होता है उसके साथ ही अटैच होता है एक बैल्कनी, आप उसे पैटियो भी बोल सकते हो। तो जो पैटियो सेक्शन था वो भी काफ़ी, मुझे पैटियो बहुत पसंद है पर्सनली, विदाउट पैटियो वाले होम्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे पैटियो के सामने कि आपको पार्किंग एरियाज दिख रहे हैं, तीन तरह के पार्किंग एरियाज हैं, ओपन है, शेडेड है और एनक्लोज्ड वाला है। तो इनकी चार्जेस होते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं, किसी किसी सोसाइटी में फ्री भी होता है। अब आप सामने जो देख रहे हैं ये पैटियो के अंदर ही एक छोटा सा स्टोरेज सेक्शन दिया हुआ है जहाँ पे आप अपनी जो अनयूज चीज़ें हैं या जो रेयरली यूज चीज़ें होती हैं उनको आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो घर के बाहर। तो ये ऐसा कुछ था मेरे अपार्टमेंट का पूरा ओवरव्यू। तो US के मोस्टली घरों में आपको हमेशा हीटर या AC की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, तो जब भी आप कोई अपार्टमेंट देखें तो मेक श्योर कि वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड लोकेशन आपको AC की ज़रूरत है या हीटर की ज़रूरत है वो होना चाहिए। जब हम सिएटल में थे तो वहाँ पर हीटर था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं क्योंकि हीटर होने की वजह से वहाँ पर हमें AC की फैसिलिटी नहीं थी तो हमें एडिशनल कॉस्ट के साथ AC खरीदना पड़ा था। बट डैलस में घर के अंदर ही इनबिल्ट इंस्टॉल है दोनों ही चीज़ें एक साथ, AC भी और हीटर भी, तो आपको विंटर्स में समर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। AC और हीटर को यूज़ करने का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है इंक्लूडिंग जो वॉशिंग मशीन्स हैं, अदर अप्लायंसेस हैं, यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो मैक्सिमम 100 to 120 dollars होता है जो कि 8,000 to 10,000 के बीच में आता है। और साथ ही साथ जो आपका यूटिलिटी बिल होता है जिसके अंदर आता है ट्रैश कलेक्शन, मेल सर्विसेज, जिम सर्विसेज, स्विमिंग पूल सर्विसेज एंड अदर क्लीनिंग सर्विसेज, वो 50 to 60 dollars होता है जो कि 4,000 के अराउंड होता है यहाँ पे आपको। सिएटल में अभी 2 BHK का जो रेंट है वो है अराउंड 3,000 dollars पर मंथ जो कि आपको लगभग 2 lakh के ऊपर जाता है, 2 lakhs के ऊपर हो जाता है। लेकिन वहीं डेलस में हमें 2 BHK मिला हुआ है अराउंड 2,000 dollars में जो कि आपको 1,70,000 या 1,65,000 के अराउंड होता है। तो जो रेंट है उसमें बहुत डिफरेंस जाएगा। अगर आप ईस्ट कोस्ट पे चले जाओगे जैसे कि न्यूयॉर्क साइड तो वहां पे तो 4,000 तक रेंट है ओनली 1 BHK का भी, तो बहुत कॉस्टली हो जाता है वहां पे। तो रेंट हमेशा वेरी करता है ईस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे, सेंट्रल अमेरिका में। तो अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप अपार्टमेंट सर्च कर सकते हो, जैसे कि apartment.com, Zillow, Trulia, ये कुछ ऐसी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपार्टमेंट्स ढूंढ सकते हो, कॉस्ट वगैरह कंपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ फेसबुक पे कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें आप ज्वाइन इन कर सकते हो अपने सिटी के अकॉर्डिंग अमेरिका के, और आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि कौन सा अपार्टमेंट अच्छा है, कौन सा स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छा है, क्योंकि जहाँ पे भी आप अपार्टमेंट लोगे आपके बच्चे का स्कूल आपको उसी सराउंडिंग में लेना होगा, उससे दूर आप नहीं भेज सकते हो, ये यहाँ पे अमेरिका में रूल होता है। तो मेक श्योर करो आप ज्वाइन करो और ये क्वेश्चंस पूछो। अपार्टमेंट टूर वगैरह बुक करते हो तो यहाँ पे दो तरीके के टूर होते हैं, ऑनलाइन और इन पर्सन। ऑनलाइन में भी आपको कभी कभी एक वीडियो अवेलेबल होती है जो आप देख सकते हो जिसमें पूरा का पूरा अपार्टमेंट का टूर होता है, या फिर कोई भी उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आपको एक वीडियो कॉल के थ्रू पूरा अपार्टमेंट दिखाता है। अदरवाइज आप इन पर्सन टूर भी बुक कर सकते हो और जहाँ पे आपको उनसे आमने सामने मिलना होता है और वो आपको पूरा का पूरा सोसाइटी का या अपार्टमेंट का टूर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जब भी आप अपार्टमेंट बुक करते हो तो आपको चाहिए होता है आपका कोई भी एक ID प्रूफ, जिसमें मोस्टली जब भी इमिग्रेंट्स आते हैं तो वो अपना पासपोर्ट यूज़ करते हैं एज अ ID, लेकिन आप जब भी यहाँ पे आए तो आप अपना SSN या स्टेट ID ज़रूर बनवाएं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपकी ID प्रूफ करने के लिए। और अगर वो आपके पास होता है तो थोड़ा बहुत आपका जो डिपॉजिट होता है वो कम हो जाता है। बेसिकली आप जब आते हो तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जितने भी मेम्बर्स हैं फैमिली में सबका एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, और पर एप्लीकेशन फॉर्म जो फी होती है वो $40 होती है जो कि 3,000 to 3,500 के बीच में चार्ज करता है। इसके अलावा जो डिपॉजिट आपको देना होता है वो होता है $300 to $400 के बीच में जो कि हो जाता है अराउंड 32,000 के करीब डिपॉजिट में। अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है क्योंकि आप न्यू हो यहाँ पे, तो कभी कभी वो $1,000 तक भी हो जाता है। अदरवाइज बेसिकली लोगों को सिर्फ $500 ही डिपॉजिट देना होता है जो बाद में आपको मिल जाता है या फिर आपके अपार्टमेंट छोड़ने के बाद आपके क्लीनिंग चार्जेस वगैरह में कट जाता है।
इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी नए अपार्टमेंट में मूव होते हो तो मेक श्योर आप उस अपार्टमेंट की एक वीडियो रिकॉर्ड करो जिसके अंदर कोई भी चीज़ जो कोई भी अप्लायंस काम नहीं कर रहा है, तो मेक श्योर करो कि आप वो अपनी सोसाइटी में इन्फॉर्म कर दो उस अप्लायंस के बारे में। साथ ही साथ आप जब मूव आउट कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली प्लान करो कि आपको लीज ब्रेक ना करना पड़े, क्योंकि लीज ब्रेक करने पर यहाँ पर आपको एक महीने का या कहीं कहीं पर दो महीने का रेंट देना होता है, और अगर आप अकॉर्डिंगली प्लान करोगे तो वो रेंट से आप बच जाओगे। साथ ही साथ मूव आउट करते टाइम मेक श्योर कि आप अपना कारपेट, अपना बाथटब, अपना जो भी अप्लायंसेस है सबको चेक करो और क्लीन करके दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कारपेट गंदा होने के कारण, क्योंकि हम लोग इंडियंस बहुत हल्दी यूज़ करते हैं अपने खानों में और पीले निशान जल्दी जाते नहीं है ब्लीच से भी, तो कभी कभी उसके बहुत हाई चार्जेस होते हैं लाइक $2,000 और $3,000 कारपेट क्लीनिंग के लिए। तो आप वो मेक श्योर करो कि सब कुछ क्लीन और ठीक से साफ करके ही आप हैंड ओवर करो अपार्टमेंट। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हमेशा अपने कंसिडरेशन में रखने चाहिए बिफोर मूविंग आउट एंड मूविंग इन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।